सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर्स और अमले के तशद्दुद से पुलिस अहलकार की हलाकत का मामला। लाहौर न्यूज़ ने सुनील सलीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल कर ली, जिसके मुताबिक मौत पसलियां टूटने और शदीद चोटें आने से हुई है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे सजाद कासमी। सर्विसेज अस्पताल में मरीजा के भाई की हलाकत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब सामने आ गया। लाहौर न्यूज को मौसूल होने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि सुनील सलीम के सीने की बाएं जानिब की 6 पसलियां टूटकर फेफड़ों में दाखिल हो गईं, जिससे जिस्म के अंदर खून बहना शुरू हो गया। तशद्दुद से खून की कुछ शरियाने भी फट गईं और खून बहने से सुनील की मौत वाक़ई हुई। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर किसी को भी इतनी शदीद चोटें आए तो मौत वाक़ई हो सकती है। सर्विसेज अस्पताल में 26 मार्च को मरीजा किरण की डॉक्टर से लड़ाई के दौरान इसका भाई सुनील सलीम हलाक हो गया। वाकई की यंग डॉक्टर्स, सिक्योरिटी गार्ड और पैरामेडिक्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिस पर तहकीकात जारी है। कैमरा टीम के साथ सज्जाद काजमी, लाहौर न्यूज़।